इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया है। फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, हनुमान चालीसा और सर्वधर्म प्रार्थना के लिए अनुमति मांगी है। नवनीत राणा के हनुमान चालीसा पढ़ने को का ऐलान करने के बाद यह विवाद हुआ था। उन्होंने मातोश्री, जो कि शिवसेना प्रमुख का घर है, उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने और राजद्रोह का केस दर्ज करके। और अब एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने पीएम आवास के सामने, दिल्ली में पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा और सर्वधर्म प्रार्थना करने की इजाजत मांगी है। निज मनु मुकुर सुधारी, भरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी, जय हनुमान ज्ञान गुण सार सुमति के संग, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ गज्र ओ ध्वजा विराजे, कर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंद, विद्यवान गुणि अति चातुर, काम काज कारी देखो आतुर, कंच गोल बनाई तुम मम प्रिय भरत समभाई। तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल जाना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी भी इस विवाद में कूद पड़ी है। एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अनुमति और समय मांगा है। मुंबई में फहमीदा हसन के साथ सैकड़ों लोग पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए तैयार हैं। और एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा हसन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। फहमीदा जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। समझना चाहेंगे कि पीएम आवास के बाहर क्यों हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हैं? मैं पीएम आवास के बाहर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी मोटा भाई अमित शाह जी, उनके आवास के बाहर जाके सिर्फ हनुमान चालीसा नहीं, एक नारी होने के नाते दुर्गा चालीसा, एक मुस्लिम होने के नाते हमारी कुरान की आयतें, नोवीनो सर्व धर्म जो प्रेम है उसके जितने भी आयत रहती है वो सब पढ़ने के लिए चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसी मान्यता करके नवनीत राणा जी बोलते हैं कि हम सीएम आवास के बाहर आके हिंदुत्व जगाने वाली बात जो बात की है, वो बात हमें कहीं ना कहीं नहीं समझ में आई कि अगर ये सब पढ़ने से अगर हमारे प्रधानमंत्री जी बोलिए और हमारे गृह मंत्री जी देश के बोलिए, दोनों जैन है जी, तो जैनिज्म अगर जगाना है तो क्या मुझे नौकर मंत्र पढ़ना पड़ेगा? हमें हमारा ईमान जगाना है तो क्या हमें हमारी कुरान की आयतें पढ़नी पड़ेगी? हमारे हिंदुत्व जगाना है तो क्या हमें हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, पीएम हाउस के बाहर आपको परमिशन मिले ना मिले, जी न्यूज पर जो है आप हनुमान चालीसा पढ़ करके जो है पूरे देश को जरूर सुना सकते हैं। जी सुना सकती हूँ मैं, शुक्रिया आपका। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधारी, बरनउ रघुवर विमल जसु, दो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र जो ध्वजा विराजे, काने मुज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंद, विद्यवान गुणी अति चातुर, राम काज करी वेको आतुर, प्रभु चरित्र प्रभु के वरसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सब, लखन जीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर सिउर लाए। मंत्रमुग्ध हूं मैं आपके जिस धारा प्रवाह अंदाज में आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, वाकई मंत्रमुग्ध हो गए हम और हमारे दर्शक भी निश्चित तौर पर। अभी जो माहौल चल रहा है उसमें जिस तरह से आपने मुस्लिम होकर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया है, ये बड़ा ही अच्छा संदेश देने की कोशिश है। लेकिन अभी जो माहौल है इसमें ऐसा ना हो कि कहीं आपके खिलाफ भी फतवा जारी कर दिया जाए, क्योंकि जो कट्टरपंथी है वो दोनों तरफ है और वो आपके खिलाफ भी फतवा ना जारी कर दें।
सर कट्टरपंथी आप बोल रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि रमजान के अंदर आप देखेंगे तो पहले राम आता फिर अजान आती है, दोनों का मिलकर रमजान होता है, और दिवाली के अंदर दीवा और अली को मिला के दिवाली होती है। हम कहां दूर है, हम लोग एक साथ में गंगा जननी तहजीब से प्यार मोहब्बत से हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं जी, तो हमें रहने दिया जाए। बड़ी अच्छी बात आपने कही है, आप हमें बताइए। बहुत अच्छी बातें आपने कही है फहमीदा जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत इसके लिए मैं तारीफ करता हूँ तहे दिल से। लेकिन कुछ सवाल हैं, कुछ टेक्निकल सवाल हैं जो भी पूछना जरूरी है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। सबसे पहली बात तो कल महाराष्ट्र में जो मातोश्री है, मेरे हिसाब से वो आधिकारिक आवास नहीं है सीएम का, सीएम का आधिकारिक आवास वर्षा है, नंबर एक। तो उसके बाहर, वर्षा के बाहर अगर पढ़ने की बात की होती तो जो है तकनीकी तौर पर सुरक्षा का मामला होता, मातोश्री एक निजी आवास है भले ही वो कितना भी हाई प्रोफाइल हो। नंबर दो, भारत में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिस इलाके में रहते हैं उसकी तुलना क्या आप मुंबई में मातोश्री जो एक सार्वजनिक जगह से बहुत ज्यादा दूर नहीं है उससे कर सकती हैं? नहीं, मैं पीएम आवास की हम भी इज्जत करते हैं, हमारे पीएम है वो, हमारे प्रधानमंत्री है, लेकिन मुझे यही पूछना था कि अगर हम किसी तरीके से उनका जैनिज्म जगा के अगर देश में महंगाई दूर कर सकते हैं क्या, हम देश में बेरोजगारी दूर कर सकते हैं क्या, हम एक गृहिणी होने के नाते हमारी रसोई के ऊपर जो बोझ है वो हम दूर कर सकते हैं क्या? आज देश भुखमरी की ओर जा रहा है, उसे हम नहीं भुखमरी की ओर नहीं जा रहा है, फिर ये हिंदू मुस्लिम का। फहमीदा जी, थोड़ा सा तथ्य मैं आपको ठीक कराना चाहूंगा इसमें कि भारत जो है वो अब जो इजिप्ट है, मिस्र एक देश है, वो भारत से गेहूं मंगाने जा रहा है, भारत जो है वहां पे। और आज ही की एक खबर आपको बता दूं कि भारत के जो किसान है उन्हें जो गेहूं का समर्थन मूल्य है 2050 रुपए के करीब सरकार का है, लेकिन उन्हें निजी मंडियों में 2700 रुपए से ऊपर मिल रहा है, तो किसान जो है वहां बेच रहे हैं सरकारी मंडियों में नहीं बेच रहे हैं। तो भुखमरी वाली बात तो जो है वो गलत है, तथ्य के तौर पर गलत है। अब जीडीपी चेक करेंगे तो आपको श्रीलंका की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जीडीपी के मामले में भी भारत की 8.2 है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है फहमीदा जी। चीन हो चाहे अमेरिका हो, सबसे बेहतर जो है भारत कर रहा है। कोविड में सबको नुकसान हुआ है, सारे देशों को, लेकिन भारत की जीडीपी जो है वो 8.2 का अनुमानित है, उससे बेहतर जाने के अनुमानित है। तो वो तथ्यों को छोड़ दिया, हम राजनीति पर वापस लौटते हैं। जो सवाल मैंने पूछे, नंबर एक की मातोश्री, मातोश्री जो है उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री के तौर पर आवास नहीं है। जी फहमीदा जी, सवाल, हेलो हेलो जी, मेरा सवाल यह है कि आधिकारिक आवास नहीं। खैर चलिए, इसमें मैं एक और, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि नवनीत राणा को भी बुलाइए, आप दोनों मिलकर के जो है मातोश्री के बाहर जाकर के उद्धव ठाकरे से परमिशन लेकर के वहां से शुरुआत कीजिए, विवाद का निपटारा ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा केस, नवनीत राणा की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। फहमीदा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? दूसरी बात यह कि हमें जो है देश की, हाँ आ रही है आवाज, आ रही है सर? हेलो जी जी, आप बोले बोले, आप बोले, हम सुन पा रहे हैं जी। हम ये राजनीति के लिए नहीं कर सकते, हमारा मुद्दा यही है कि मेहरबानी करके जो लोग अभी तक गंगा जमनी तहजीब, जो गंगा जमनी तहजीब है उससे जी रहे हैं लोग, आज भारत की एक विशेषता रही है, अनेकता में एकता भारत की यही विशेषता रही है, सर्वधर्म और सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं, तो उसके बाद में ये हिंदू मुस्लिम क्यों करवा रहे हैं लोग, क्यों राजनीति को बीच में ला रहे हैं? हमें यही एक सवाल पूछना था पीएम जी से भी कि क्यों ये सब हो रहा है आपके छत्रछाया के अंदर, ये सब बंद करवाइए, ये जो राजनीति का और धर्म का जो भोंगा है वो भोंगा बंद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत आपके विचारों से मैं काफी प्रभावित हूं, लेकिन बस सवाल यही है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का जो ऐलान किया था नवनीत राणा ने, इसके खिलाफ राजद्रोह का केस आपकी सरकार ने क्यों कर दिया? क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से दंगा भड़कने का खतरा था? क्या उसके पीछे खतरा क्या था? सर हनुमान चालीसा के लिए उनके अंदर नहीं किया, उन्होंने बोला कि उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व में जगा रही हूं। आज उद्धव ठाकरे जी पहले एक शिवसेना संगठन जो है उसके प्रमुख थे, मुखिया थे, अभी वो देश के प्रमुख है, पहले जो वो करते थे वो एक संगठन के लिए करते थे, अभी देश के सामने जो एक राज्य है महाराष्ट्र राज्य उसके वो प्रमुख है,
तो जो महाराष्ट्र राज्य उसमें सारे धर्म सारे जाति के लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें उनके चलते हुए बिल्कुल उनको फैसला लेना पड़ता सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। फहमिदा जी आपका ये कहना है। अब फिर मेरा सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट्स के आदेश हैं कि जो लाउडस्पीकर की आवाज है एक तयशुदा सीमा के अंदर होनी चाहिए, कुछ खास इलाके हैं जहां वहां नहीं होनी चाहिए, जो मस्जिदों में लगे हुए लाउडस्पीकर हैं उनको हटाने की जो बात थी, उनको कम करने की जो बात थी, वो तो कानून के दायरे में थी ना, तो उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री उन्हें फैसला नहीं लेना चाहिए था उस पर, विवाद की शुरुआत तो वहीं से हुई ना सर। और सर जो मस्जिदों में आज लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो सब परमिशन के तहत ही लगे हुए हैं, एक मुकम्मल डेसिमेशन दिया गया है उनको, उसी के तहत में परमिशन दी जाती है, उनकी जो परमिशन की गाइडलाइन है वो अगर सही रहेगी तो ही मस्जिदों में नहीं, नहीं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ फहमिदा जी। अगर ऐसा मुझे होता, ये समझ में नहीं अगर आता। ऐसा होता तो राज ठाकरे को जो है कानूनी तौर पर जो है सीधा जवाब दिया जाता कि ऐसा कुछ है ही नहीं, चेक करवा लीजिए, डेसिबल नापने के लिए जो मीटर होता है मशीन होती है उससे नापा जा सकता था, ये तो हुआ नहीं। यूपी में सीएम ने आदेश दिया कि भाई, यूपी के सीएम ने आदेश दिया कि जो धार्मिक स्थल हैं चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो वो स्पीकर बजाएं, लाउड स्पीकर बजाएं, लेकिन बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। यहां तो कोई विवाद नहीं हुआ, महाराष्ट्र में ही सारा विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के साथ में उन्होंने अजान जोड़ दिया जी, उनको सिर्फ अजान से तकलीफ है, मंदिर में मठ में गिरजाघर में चर्चों में जो चलता है उनसे उनको कोई तकलीफ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो आप इस बात से सहमत है ना कि मस्जिदों में जो आवाज अगर तय सीमा से ज्यादा हो रही हो तो उसे बंद करना चाहिए, घटाया जाना चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं? मस्जिदों में अगर तय सीमा से बहुत ज्यादा है आवाज तो कम की जाए। हमारे मौलवियों ने पहले ही बोल दिया है कि अगर हम वो दायरे में नहीं बैठते तो वो हटा दिया जाए जी। हमने तो अयोध्या के टाइम पे भी मुसलमानों ने जो है कोर्ट का फैसला ही तय किया था ना। नहीं, हमें कोर्ट का फैसला मुद्दे से भटकिए मत, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि महाराष्ट्र भर में जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं क्या आप ये मांग करती हैं, जो मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगे हुए हैं सीएम से ये मांग करती हैं कि उनकी आवाज कम की जाए, तय सीमा के अंदर ना हो तो उनके खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज किया जाए? जो मस्जिद हो मंदिर हो मठ हो चर्च हो गिरजाघर हो हमारे गुरुद्वारा हो जिधर भी अगर कायदे के विरुद्ध में कुछ भी चीज मिलती है तो उसके ऊपर जो भी केस बनता है वो बनाना चाहिए जी। कायदा लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक सरीखा लेना चाहिए, सिर्फ अजान और सिर्फ मुसलमान टारगेट करके नहीं चलेगा सर जी। दस जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का टारगेट कौन कर रहा है, उतना सिखों का भी है नहीं, टारगेट देखिए एक जो है ना यहाँ यहाँ एक चीज बड़े बड़े साफ कर रहे हैं, भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है वो बहुसंख्यकों से ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ विवाद इस बात का हो रहा है कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है वो तो सुरक्षित है ही है, उन्हें बराबरी पर लाया जाए, तो इसलिए ये जो यहाँ पर भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है ये एक गलत सोच है सर। आपने राज ठाकरे जी का अगर भाषण सुना होगा तो उन्होंने बोला मस्जिदों में अजान से हमें परेशानी नहीं, परेशान उन्होंने ये कथा ही नहीं कहा, उन्होंने ये कथा ही नहीं कहा कि अजान से परेशानी, उन्होंने ये कहा कि वो जो आवाज है लाउडस्पीकर पर बज रहा है उसको अगर कम नहीं किया गया तो फिर वो उनके सामने जो है वो लाउडस्पीकर डबल लाउडस्पीकर लगाकर बजाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया फहमिदा जी, जी न्यूज से बातचीत करने के लिए और बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए, अच्छी बातें आपने कही हैं, उम्मीद करते हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो भी बराबरी का ये सिद्धांत ही अपनाएगी और निश्चित तौर पर एक सांसद के तौर पर एक नेता के तौर पर एक आम नागरिक के तौर पर नवनीत राणा के जो अधिकार हैं उनकी भी रक्षा करेगी। बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए। जो दायक फलचारी जय हनुमान ज्ञान गुण सार सुमति के संग कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे कर सुवन केसरी तो हनुमान चालीसा पर जो विवाद छिड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और नवनीत राणा कानूनी तौर पर भी अब मुंबई हाईकोर्ट पहुंची हैं, वहीं अब एनसीपी नेताओं की ओर से मांग की गई है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्हें हनुमान चालीसा और सर्वधर्म प्रार्थना करने की इजाजत दी जाए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।